इस गैंग में कोई नहीं जानता कि रंगा कैसा दिखाई देता है। ये हमेशा अपने आसपास के छोटे शहर चुनते हैं और उस जगह अपने ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। सुकिलो, क्या कीमत होगी इसकी? सर, 840 crore। उसका 900 किलो को कीमत, वो जरूर अपने दड़बे से बाहर निकलेगा। इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम है, एक सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर के टेंशन खत्म। ऐसा कहा जो देवकर ने कि लगा कि उनकी कैथी फिल्म का किरदार बोल रहा हो। इतने ज्यादा क्रिटिसाइज होने के बावजूद अब कौन सी साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक फिर से बनने जा रहा है अजय? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और आपका स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन की अपकमिंग मूवी कैथी के बारे में। अब चलिए आपको बताती हूँ कि कभी कुछ वक्त पहले अजय देवगन ने ऐसा कहा, क्या कहा था कि लग रहा था कि वो जो कि बॉलीवुड के एक लीडिंग स्टार हैं, अपनी फिल्म कैथी का किरदार है जो कि एक जेल से छूटा कैदी है जैसे लग रहे थे। अब ये बात सुनकर अजीब लग रहा होगा पर फिल्म का कंसेप्ट ये है कि अजय को एक किरदार जो कि दिल्ली नाम के एक जेल से छूटा कैदी है जो कि छूट कर अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है जिसे वो बहुत सालों से नहीं मिलता। इस फिल्म में उस कैदी को एक ऐसे किरदार की तरह दिखाया गया जो कि अपने परिवार से बहुत प्यार करता है पर जेल में होने की वजह से उसने अपने बहुत दूर रहना पड़ता है। तो हाल ही में अजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2020 साल उनकी निजी जिंदगी के लिए बहुत खराब था, वो इसलिए क्योंकि इस साल ने जैसे उनके परिवार में छोटी छोटी दरारें डाल दी हो। असल में पिछले साल जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब अजय और काजोल की बेटी नायसा को दूसरे देश में कॉलेज की पढ़ाई के मकसद से जाना पड़ा था। ऐसे मुश्किल वक्त में ये सोच कर कि उन्हें कहीं नए देश में अकेला ना रहना पड़े, काजोल भी उनके साथ चली गई थी और उस वक्त हर किसी की तरह बेशक फिर अजय अपने इंडिया वाले घर में और काजोल और नायसा दूसरे देश में अपने अपने घरों में कैद हो गए और उनके मिलना बिल्कुल मुश्किल हो गया। तो ऐसे में ही अजय ने खुलासा किया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जेल में बंद हो और अपने परिवार से मिलने में असमर्थ। अब चलिए जब अजय की मुसीबतों को हमने बात शुरू की है तो ये भी याद दिला दूं कि आपको कि अजय अपनी इतनी सारी रीमेक्स को हिस्सा होने पे कितना क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं फैंस और तमाम टॉलीवुड द्वारा। आखिर वो देश से भी ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम कर चुके हैं जिससे ज्यादातर साउथ इंडियन फिल्मों की ही रीमेक होती है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि उनकी हिंदी वर्जन इतनी ज्यादा मशहूर हो जाती है कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये किसी और फिल्म का रीमेक भी है और यही बात अब फैंस को खटक रही है। पर फिर भी उन्होंने घोषणा की है कि ये तेलुगु फिल्म ब्रोचू वेरारा के हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। अभी ही फैंस इतने नाराज है फिर भी नहीं, जब वे इस फिल्म में काम करेंगे तो क्या होगा? पहले तो इसने इतनी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उनके इन फिल्मों के ऊपर, अब तो ये इस फिल्म पर काम शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि फैंस के रिएक्शन क्या है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब अलविदा बोलने का समय आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कितनी चलेगी, इसमें ओरिजिनल फिल्म से क्या बदलाव लिए गए होंगे ये बताना तो बिल्कुल ही मत भूलें कि आप अगली वीडियो में किस मूवी या सीरीज के बारे में जानकारी चाहते हैं। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है प्रणामिका ने।